सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, कुछ अलग आप कर रही है मैडम, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? बहुत खुश है क्योंकि हमें आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत खुश है और बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। जब आपने शुरुआत की थी और आपको लग रहा था कि इस तरह का कैरेक्टर मिलेगा जहाँ पर आप एक सिंगम जैसा रोल निभाएंगे? ऑनेस्टली सोचा नहीं था, और जब रोल ऑफर हुआ था तब मैं थोड़ी ऐसी भी थी, हाँ, बट थैंक गॉड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने हाँ बोला और मैं ये शो की पार्ट हूँ, क्योंकि इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला, तो थैंक यू सो मच। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल अटायर है ये, काफ़ी कुछ आप बताना चाहेंगे? कल आपने पैन किया कैमरा, ये मेरा अटायर है, और बहुत आई थिंक कोविड के बाद अभी फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है कि हम शूटिंग से हमें थोड़ा ब्रेक मिला है कि हम अच्छे से ड्रेसअप होकर अवार्ड्स में आए, तो यस वी आर हैप्पी। ओके, शो की अगर हम बात करें, आपके फैंस बहुत आपको लव करते हैं, कोई ऐसी एप्रिसिएशन जो आपको बहुत मतलब दिल को छू गई हो इस एप्रिसिएशन को लेके? आई थिंक वो डेली होता है, क्योंकि डेली हम में से किसी ना किसी को गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, कार्ड्स मिलते रहते हैं, केक्स मिलते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि वो हमसे कनेक्ट करें, इसलिए वो इतनी मेहनत करते हैं, वो स्पेशली हमारे लिए कार्ड्स वार्ड्स बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाउ मच दे लव अस। सो या ITA अवार्ड आई थिंक मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूँगी, हर एक अवार्ड शो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और जब एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो इट फील्स हैप्पी। हैप्पी वुमेन डे, एंड वुमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन, सो हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और प्यार देते रहिए, एंड आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस वी विल कीप एंटरटेनिंग यू। थैंक यू।